next speaker on board is the one who has laid foundation of our institute KCS Educate. I would like to call upon stage our chief mentor and founder of Help Student India, Mr. Avneesh Kumar Saxena, to share his views and thoughts about today's occasion and enlighten us with his wisdom and knowledge. Sir, please. Good morning. Good morning, sir. नहीं अभी भी अभी भी इट इज हाई वोल्टेज लेक्चर पहले से बता दू फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा आएगी तो इसीलिए हो सके तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लो या साइलेंट में और अगर आप बहुत बड़े कोई पोजिशन पे हैं कि प्लांट बंद हो जाएगा अगर आपका फोन पिक नहीं हुआ तो ऑन रखिए मुझे कोई तकलीफ नहीं क्यों क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी गलत और सही नहीं जब आप सही चश्मे से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किसने क्या चीज किस वजह से की है जोश नहीं आया तो जोश बढ़ाते हैं पहले क्यों क्योंकि अगर दिमाग को शांत करना है तो पहले बॉडी की एनर्जी को रिप्लीट करना होगा बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करना होगा नहीं तो दिमाग कॉन्टिन्यूसली भागता रहेगा और जो भी 9th से हमारे पास है उन्होंने एक ही चीज देखी होगी कि मेरा काम है माइंड मैनेजमेंट मेरा काम है आपके इंटरनल टीचर को जगाना मेरा काम है इनर इंजीनियरिंग करना और फिर उसके बाद चमत्कारिक सॉल्यूशन मेरे स्टूडेंट्स के पास से आना आई एम मिसिंग इट सीरियसली आई एम मिसिंग इट बिकॉज दो साल ऑनलाइन हो गया बहुत ज्यादा दिमाग पे कचरा जम गया है एक बेहतर स्टूडेंट ने आके मुझे बताया जो 300 में 250 से ऊपर मार्क्स ला रहा था मैंने बेटा एक सच सच बता दो आपने भी एक आध क्वेश्चन की चीटिंग की बोला यस सर हमने भी की बस मैं मतलब शॉक्ड हो गया उसे यानी माइंडेड जिन्होंने नहीं की वो इसको गलत तरीके से दिमाग में ना ले 90% प्रॉब्लम भी है लोगों को 90% जोश नहीं दिखा जब मैंने बोला गुड मॉर्निंग सब भूल गए कि सर से मिलते थे तो क्या जोश होता है सर से मिलने में ही आनंद आ जाता है ऐसा भी कुछ लोगों के साथ ऐसी कई स्टोरीज मैं शेयर करने वाला हूं ऐसी कई कहानियां आपके सामने रखूंगा लोग मुझे मैथ्स टीचर कम समझते हैं जो 9th से पढ़ रहे हैं उनको एक शब्द जरूर बताया होगा MY मैथ्स योगा याद है या नहीं नाइन्थ वाले कहीं कहीं बैठे होंगे तो 4 साल से हमारे साथ है और उनको एहसास भी हुआ होगा कि जो 9th में हम जादू कर रहे थे क्लास के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा 10th और 11th में उस पे असर पड़ा आप मुझसे पूछेंगे क्या ऑनलाइन पढ़ाते हुए आपको आनंद आ रहा था आनंद एक ले रहा था मैं लेकिन हर बार क्लास लेने के बाद ये सोचता था कि मैं 70% बच्चों का फायदा नहीं कर पा रहा उन 70% बड़ा हो गया सिर्फ आउट ऑफ 100 पीपल आई एम नॉट गिविंग एडवांटेज टू 70% पीपल आप कहेंगे हु आर दोस 70% 10% ऐसे लोग होते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड सर्कल में सबके फ्रेंड सर्कल में जिसमें ऑनलाइन पढ़ाओ ऑफलाइन पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ वो पढ़ जाएंगे 20% ऐसे होते हैं जिनको आप उनके दिमाग में जाके पढ़ाओ तो भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कहते साहब हमें पढ़ने नहीं पढ़ा के दिखाओ पुजारी तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन 70% ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा स्पार्क चाहिए जिनको पुश चाहिए जिनको मोटिवेशन चाहिए उन 70% लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ कई अभी कुछ दिनों पहले भी कुछ स्टूडेंट आके मिले क्या सर हम अब रिकवर कर सकते हैं इसीलिए आज मेरा लेक्चर है हम कब रिकवर कर सकते हैं जब हम सोच लें क्या कभी देर होती है देर होती है वो तो हो चुकी अभी की बात करूंगा अभी कर सकते हैं कि नहीं तो मैं पीछे की बातें क्यों बता रहा था इसीलिए बता रहा था कि आगे चल रहे हैं और आज के मोमेंट में जीने की बातचीत करेंगे तो कुछ ऐसी बातें रखेंगे कि जिससे आपको ये फील हो कि देर हुई नहीं है जब हम जागे सवेरा है इट डजंट मीन सोते रहे इस मोमेंट में जीने की कोशिश करें यही लाइफ है तो पहले थोड़ी सी एनर्जी बना लेते हैं फिर मैं अपनी बात रखता हूं
तो शायद आसानी से दिमाग में जाएगी, am I right or not? Yes, sir. अभी आवाज आना शुरू, कम से कम स्टूडेंट का यस आता है, पेरेंट्स आराम से सुन, स्टूडेंट को तो भाई बिल्कुल बच्चों की तरह होना चाहिए ना भाई। अभी थोड़ी देर पहले आपने थॉमस एलन के वीडियो सुने होंगे। अच्छा एक चीज और देखी होगी, नाइन वाले नीचे लिखा था 2020, यानी अभी वीडियो भी एडिट नहीं हुए, यानी जो 2020 की चीजें आप देख रहे हैं। तो मैं ऐसा फील भी कराना चाह रहा हूं कि अब 2020 से सीधे जंप करने जा रहे हैं हम लोग 2022 में। फॉरगेट अबाउट पूरा 20 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, सीधे 20 के बाद हम कहां पहुंचेंगे, 22। तो पहले थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं, आर यू रेडी? यस सर। ओके, यस सर बोलना है 3 बार, आर यू रेडी? यस सर। अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा यू आर द विनर, आपकी आवाज क्या आनी चाहिए? यस सर। यू आर द विनर? यस सर। पीछे से नहीं आई, यू आर द विनर? यस सर। यू आर द विनर? यस सर। आप कहेंगे अभी तो पढ़ाया भी नहीं आपने, अभी पूरा 12th का कोर्स बाकी है, अभी तो एग्जाम भी दिया नहीं, और यू आर सेइंग यू आर द विनर? प्लीज माइंड इट, जैसा आप सोचते वैसे ही होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप सोच नहीं पाते वैसा। आप यू आर द विनर, यू आर द विनर, आप कॉन्टिन्यूसली नहीं सोच पाएंगे, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे जब से मोबाइल और टेलीविजन का आविष्कार हो गया। यू आर नॉट एबल टू फोकस योर माइंड कॉन्टिन्यूसली इवन फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप घर जाइए, आंख बंद करिए और बोलिए यू आर द विनर, यू आर द विनर, 5 मिनट्स स्टॉप वॉच लगा के। आप सोचेंगे कब 5 मिनट खत्म, या फिर सोचेंगे, या फिर थोड़ी देर में कोई और कहानी दिमाग में चलेगी। आप नहीं सोच सकते, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया आपके मन में। ये कैसे क्लियर होगा? यानी जब हम इस साल अब पढ़ाना शुरू करेंगे तो हमें आपकी हार्ड डिस्क से काफी सॉफ्टवेयर को हटाने का काम भी करना पड़ेगा। काफी ज्यादा जो पिछले 2 साल में आपने सॉफ्टवेयर अपने अंदर डाले हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैं कई सीन दिखाता हूं आपको, कई पेरेंट्स और स्टूडेंट की बात बताता हूं, और फिर धीरे धीरे मैं, आप जानते हैं जैसा कि मैं छोटी छोटी कहानियों पे आऊंगा, छोटी छोटी बातों पे आऊंगा, और फिर हम इस लेक्चर को जिस वजह से कर रहे हैं वो सारी बातें मेरी कहानियों भी आ जाएंगी। लेक्चर का नाम भी पुराना है अगर किसी को याद आया, वो भी हमने नया नहीं रखा, क्योंकि प्लानिंग क्या है, 21 को भूलते हैं, सीधे कहां जम करते हैं, 22। प्लानिंग भी क्लियर है। हम कई बार अगर अपनी हार्ड डिस्क से कुछ भी डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन में जाता है, मैं राइट हूं ना? क्या आपको पता है रिसाइकल बिन से निकालने के बाद भी डिलीट नहीं होता है? किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलो तो बताएगा अभी भी रीड कर सकते हैं इसको। यानी आपकी चीजों को हमें डिलीट करना है, रिसाइकल बिन में पहुंचाना है, रिसाइकल बिन से भी उठा के बाहर फेंकना है। यानी 12th में पढ़ाने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो ये आज का दिन है हमारे लिए, आपके लिए फेस्टिवल है। अब हम 2 बार फेस्टिवल मनाते हैं, एक बार जब क्लासेस शुरू कर रहे होते हैं और एक बार जब रिजल्ट आता है, और उसमें भी सबसे बड़ा फेस्टिवल जानते कौन सा है अपने लिए, आज का दिन। शुरुआत डिटर्मिनेशन लेवल यहीं से पिकअप करना है, यहीं से अपने को आगे फुल फोर्स के साथ बढ़ना है, यहीं से अपने को आगे फुल कॉन्सेंट्रेशन के बाद बढ़ना है, तभी चीजें आसान हो। कहां पे मिले थे हम लोग लास्ट टाइम, 2020, फिर कब मिल रहे, बार बार याद दिलाते रहेंगे क्योंकि अभी इरेज करना है ना मुझे, कम से कम आज रिसाइकलिंग बिन में तो आपकी चीजों को बचा देना। क्लास में आएंगे तो धीरे धीरे वहां से डिलीट करेंगे, और जब और आते रहेंगे तो फुल डिलीट कर लेंगे। ये मुझे तो अपना पूरा भरोसा है अपने आप पे, पर आपको भी भरोसा करना पड़ेगा मुझ पे। मैं सोचता हूं मैं मास्क हटा लूं क्योंकि हम लोग काफी दूर हैं। थैंक यू।
कविता से शुरुआत करता हूँ और ये नाइन्थ वालों के लिए टेस्ट है। देखिए यहाँ टेस्ट भी होगा या एनर्जाइज भी करेंगे और बिना बात किए आपसे बात भी करेंगे। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है जी। पहले इस कविता को सुनते हैं और फिर नाइन्थ वालों का टेस्ट है। आर यू रेडी? नाइन्थ वाले जो यहाँ पढ़ते थे, नहीं मतलब ऑब्वियसली ट्वेल्थ में आ गए, नाइन्थ में तो थे ना हमारे साथ। कभी अपने गम पर मुस्कुरा कर तो देखो, कभी अपनी हार पर खिलखिला कर तो देखो, जिंदगी यूं ही आसा हो जाएगी। कभी किसी की जीत का जश्न मनाकर तो देखो, जिंदगी यूं ही आसा हो जाएगी। जहां हो, जैसे हो, जो कर रहे हो उसमें डूब कर तो देखो, जिंदगी यूं ही आसा हो जाएगी। अरे थोड़ा मुस्कुरा कर तो देखो, जिंदगी यूं ही आसा हो जाएगी। लगता है कविता में मजा नहीं आया। कोई मुझसे पूछता है मोटिवेशन लेक्चर क्यों लेते हैं, तो मेरा रिप्लाई होता है अपने को मोटिवेट करने के लिए। अगर आप उस पर्पस पे अपने को मोटिवेट करने आए, अगर उस चक्कर में आप ही मोटिवेट हो जाते हैं तो डबल एडवांटेज ही मेरा, सामने वाला भी मुस्कुरा के देख रहा है तो मेरे पास और एनर्जी आ जाती है, मैं डबल मोटिवेट हो जाता हूं। इन द एंड रिजल्ट क्या है साहब? आई एम मोटिवेटेड नाउ, आई फील लाइक दिस। नाइन फॉलो का टेस्ट लेना था ना, कितने लोगों को याद आया यही कविता से मैंने 2020 में शुरू किया था। है कोई ईमानदारी से हैंड रेस करेगा? एक हैंड रेस दिख रहा है टोटल एक, जबकि कम से कम 30 या 40 लोग, 40 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मेरे पास 9 से 12 तक पढ़ रहे हैं। क्या कोई कमजोर है? क्या किसी का दिमाग कमजोर है? क्या कोई बेवकूफ है? कोई नहीं, नोबडी। ये आपने जो आपने तय किया है अपने लिए, हम धीरे समझ सकते हैं। हमारे पास जो रैम हमारे कंप्यूटर में है वो हो सकता है स्लो वाली लगी हो, हार्ड डिस्क तो सबकी समान है, अनलिमिटेड टीवी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, प्रॉब्लम सिर्फ इसकी है रैम। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है और ज्यादा वाली रैम डालेंगे, अपने कंप्यूटर की बात करो, दिमाग की नहीं बैठी अच्छा सर पैसे और चाहिए क्या आपने? अगर हम एक बेहतर कंप्यूटर लेना चाह रहे हैं तो और पैसे खर्च करेंगे, ज्यादा वाली रैम उसमें पड़ी होगी तो और फास्ट काम करेगा। बट ह्यूमन बीइंग के लिए तो एक फायदे की बात यह है कि वो अपनी रैम अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। और जानते हैं ये जो मेमोरी जो आप अपनी क्रिएट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कर्मा, कर्म, कर्मा लोग शब्द यूज करते हैं, कर्म भी बोलते हैं, आप जो बोलना चाहे इसको बोल सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर आप अपना बना रहे हैं यही है आपका कर्म। जो सडनली कहीं 10 साल बाद कोई सक्सेस मिल जाती है कम मेहनत करे हुए, तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू गॉड, आई एम द लकी वन। नहीं, आपने 10 साल पहले मेहनत की थी, आप कॉन्टिन्यूसली थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे थे, आप मेहनत करना कम कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गए दौड़ के इसके पास कि भाई टॉपर है आप, आपने कैसे पढ़ा? बोला जी हम तो 2-3 घंटे पढ़ते थे बस। आप भी आ गए घर, बोले हम भी अब 2-3 घंटे पढ़ेंगे। अरे आपको कुछ पता ही नहीं, वो नाइन्थ से धीरे 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 पढ़ते हुए इतना खुश होना शुरू हो गया कि इसको 2-3 घंटे में 10 घंटे का काम बन जाता है, और आप चले साहब हम उसको फॉलो करेंगे। सदगुरु साहब है, काफी फेमस इंसान है, कई लोग उनको फॉलो भी करते होंगे। मैं कहीं उनकी कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था इफ यू आर लिविंग विद द मेमोरी ऑफ वन बुक देन यू आर रिलीजियस, इफ यू लिव विद द मेमोरी ऑफ मल्टीपल बुक्स देन यू आर इंटेलेक्चुअल, एंड व्हेन यू आर लिविंग इन द मेमोरी ऑफ जनरेशंस then you are best human being, and when you are living with the memory of beyond generation then you are mystic. एक बच्चे ने ये पढ़ लिया नहीं, आप सोचिए उसका क्या होगा? किसी 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 स्कूल में धार्मिक किताब पढ़ाते हैं, सुना है भी किसी किसी स्कूल में और शुरू होने वाली है,
और हमने अगर उसको समझाया नहीं तो एक बालक आ गया, सर आपने ये लाइन पढ़ी चार मिनट का, ये लाइन तो बहुत बढ़िया, बोला सर हमने आज से सब किताबें छोड़ दी। एक पेरेंट्स ने भी पढ़ ली, वो अपने घर गए और बोला बेटा कौन सी किताब है मैथ्स की आपके पास, बोला सर ने बताई थी एक किताब यूज करना, एक के अलावा दूसरी जब यूज करना तो मुझसे बात करना। नहीं बेटा हम टॉपर के पास गए थे, उसने बताया उसने ये वाली बुक पढ़ी, और वो शर्मा जी का लड़का जो आईटी मुंबई में पढ़ रहा है उसने बोला हमने ये वाली बुक पढ़ी थी, तो बेटा ये सब बुक पढ़ो। वो सद्गुरु जी वाला उन्होंने वो भी पढ़ ली करेगा। इफ यू आर लिविंग इन द मेमोरी ऑफ मल्टीपल बुक देन यू आर इंटेलेक्चुअल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले एक किताब पढ़ो आप आईआईटी में नंबर वन रैंक ला सकते हो। दो तीन चार किताब पढ़ोगे हो सकता है पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। फिर उसको पढ़ना बंद करके अपनी मेमोरी को यूज करके आप कोशिश करोगे तो मल्टीपल मेथड्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर और उसकी डेप्थ में जाएंगे तो टीचर से बेहतर मेथड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इट डजंट मीन कि हम सीधे फोर्थ स्टेज पे चले जाएं या सीधे सेकेंड स्टेज पे चले जाएं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे ढेर सारे बच्चे ऐसे पता है जो एक किताब, वो पहले मैं क्लियर कर दूं कि वो चार लाइन जो सद्गुरु साहब की है वो बहुत बड़ी है। वी कैन नॉट कंपेयर, आई एम नॉट कंपेयरिंग दोस फोर लाइंस हियर फॉर से लाइफ पर्पस। वो लाइफ पर्पस के लिए वो फोर लाइंस का बहुत बड़ा मीनिंग है, इन डेप्थ मीनिंग है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इजीली। जस्ट आई एम टॉकिंग कि किसी ने पढ़ के मुझे सुना दी तो मैं बता रहा हूं कि सावधान, उन लाइंस को पढ़ने के बाद पता लगा गीता में आपने पढ़ा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, और लेके निकल पड़े तलवार, आज देखते हैं कहां हमारे धर्म की ग्लानि हो रही और इसको इधर। अरे नहीं, बहुत बड़ा मीनिंग है, गुरु की आवश्यकता इसीलिए है। अगर आप सब कुछ कर सकते हैं बहुत बढ़िया, आप मिस्टिक यानी आपको कुछ चाहिए नहीं है और भी बढ़िया, जंगल में चलिए, ना कोई एक्सपेक्टेशन है ना कोई प्रॉब्लम है, हम लोग मिलके फल फूल खाएंगे और जंगल में घूमेंगे, दिमाग में कुछ शून्य कर देंगे, जीवन का भरपूर आनंद आएगा। शेर आएगा तो उससे बोलेंगे वेलकम, नहीं आएगा तो हम लोग घूमते रहेंगे। सारे कष्ट का एक ही निवारण है, दिमाग को शून्य कर दो, दिमाग को जीरो कर दो। एक बालक मेरे पास आया, बोला साहब हमें कुछ आप आइडिया देंगे कि सुबह हम जल्दी उठ जाए, राइट टाइम पे उठ जाए। मैंने उसको आइडिया दिया, सबको नहीं देता हूं, आप कहेंगे ये तो गलत है, फिर वही बात, आप जबरदस्ती एक पाउच में डबल चीज भर के उस पाउच को ताकत से बंद करो, पाउच फट जाएगा। पहले कोशिश ही होनी चाहिए कि क्या वो उस चीज को रख पाएगा। तो दो बालक थे, एक आया उसने कहा साहब कोई आइडिया है आपके पास, मैंने उसको कहा ये काम करना। दो दिन बाद दौड़ते हुए आया, बोले सर क्या क्या आइडिया दिया आपने, सर 5:30 बजे उठना था, 5:25 पे आप खुलती है, ये सर पहले क्यों नहीं दिया। दूसरा बालक दो दिनों बाद आया, बोले सर क्या बेकार आइडिया दिया था, सर कोई फायदा नहीं हो रहा है, 2 दिन हो गए सर ये आइडिया काम नहीं कर रहा है। इसलिए सबको नहीं दे सकते, समर्पण चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, थिंक बिलीव देन कम्स एंजॉय। आपने यहां पे एडमिशन ले लिया है तो यही बालक बोला, मैंने दो बालक की बात सुनी, मैं बड़ा लाइव बात करता हूं, शायद एक आध से किसी भी स्टोरी जुड़ जाए तो गुस्सा हो जाना अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि आप कुछ कर दिखाएंगे, मेरे भी गुस्सा हो जाएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक बालक मेरे भी गुस्सा होकर छोड़ के चला, नहीं मैंने भगा दिया, इनफैक्ट वो आईटी मुंबई पढ़ गया। एक पेरेंट आए मेरे पास, दोनों डॉक्टर, बच्चे को मैंने समझाना शुरू किया, नाम नहीं बताऊंगा, नॉट टू वरी, कभी भी पूरी लाइफ में मैं जो बच्चों के सीक्रेट्स होते हैं वो अपने घर में भी शेयर नहीं कर सकता, अपने कोलीग्स किसी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रस्ट है, फेथ है, बिलीव है,
कई लोग मेरे केवन में घुसने के बाद 99% लोग सत्य बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो जादू मुझे पता है कैसे उनसे सच बोलवाना है. क्यों? क्योंकि मैं 100% ईमानदारी से बोल रहा हूँ. इसलिए जब वो मेरे केबिन में घुसते हैं तो 99% स्टूडेंट एकदम सत्य बोल. बताया ना 250 से ज्यादा नंबर वाले ने वाला बच्चा ही बोला सर एक दो क्वेश्चन की चीटिंग हमने भी की. मैंने पूछा बेटा एक दो से ज्यादा ने? नहीं सर एक दो की सर टॉपर बने रहने के लिए. सत्य बोलता है. एक पेरेंट मेरे पास आए दोनों टॉपर बच्चा बैठा हुआ. बच्चा बहुत मतलब कहते हैं ना कि कुछ कर्म हमने पहले कर लिए तो वो सेट है तो कुछ हम जल्दी जल्दी समझ जा रहे हैं. कोई धीरे समझ रहा है कोई फास्ट समझ रहा है. ये सब ऐसे मत सोचो कि कुछ जादू हमने इस पे किया आप पे नहीं किया. सब पे हो रहा है. सबके अपने अपने एक सिस्टम है सबकी अलग अलग रैम है. लेकिन आप सर से मिलते रहोगे उस सिस्टम में थोड़ा थोड़ा चेंज लगाते रहोगे रैम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहोगे आप भी उसको पीछे छोड़ सकते हो. आगे उसके बराबर की बात तो छोड़िए. तो वो मैंने उस बच्चे को काफी समझाया. मुझे पता था ये बहुत बढ़िया कर सकता है बहुत अच्छा कर सकता है. उसके पेरेंट्स आके मेरे पास बैठे. मैंने बोला जी आप ध्यान नहीं दे रहे इस बच्चे पे आप थोड़ा टाइम दीजिए. कुछ कुछ समझाया. फादर एकदम इरिटेट हो गए. क्या चाह रहे हो आप हम बच्चे की जान ले लें क्या उसको. मैं एकदम शांत हो गया. वो बहुत क्रोधित हो गए. लेकिन मैं जो भी मुझसे मिलते हैं वो मैक्सिमम जानता हूँ कि मैं शांत हो जाता हूँ जब कोई क्रोधित होता है मुझे. मैंने कहा कोई बात नहीं सर आप टेंशन मत लीजिए आपका बच्चा अच्छा है जीवन में अच्छा है. ये बात है 2017 की. अभी कोरोना जब थोड़ा सा 21 में थोड़ा सा कम हुआ वो बच्चा मेरे पास आया. पूरे 4 साल से ज्यादा हो गए थे. आके बोलता है सॉरी सर. उनका बेटा क्या हो गया मुझे उसका नाम भी याद था. वो शॉक क्या था तो नाम भी याद है सर. वो उस समय मम्मी पापा गुस्सा हो गए थे. बच्चा सॉरी बोल आया. मम्मी पापा गुस्सा हो गए थे लेकिन आपसे कुछ शेयर करने आया हूं. मैंने कहा हाँ बताओ बेटा. सर मैंने मेहनत नहीं की IIT का सपना था नहीं मिला MIT में जाके पढ़ लिया. थर्ड ईयर में जाना मतलब जाता जरूर इंसान. ये जो आज का मेरा लेक्चर है हो सकता है कई लोगों को पूरे 12th एंड होते होते तक ये कामयाब नहीं करे लेकिन कभी ना कभी उसके दिमाग में जाएगा. क्यों कर्मा क्यों सॉफ्टवेयर गया आपके दिमाग में. अब ये कब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे ये आप पे डिपेंड भी करता है. सॉफ्टवेयर गया बातें गई कोई निकाल नहीं सकता वो आपके दिमाग से. अच्छी चीजें भी हैं सब चीजें हैं आपके अंदर लेकिन अब आप कैसे यूज करते हैं इस पे डिपेंड करता है. वो बच्चा मेरे पास आया सॉरी सर मैंने BTech कर लिया है और मुझे एक बड़ी सी कंपनी में जॉब भी मिल गया है करीब 3 लाख का पैकेज. स्टार्टिंग 3 लाख तो बहुत बढ़िया होती भाई. नहीं मैं पैकेज की बात करता नहीं लेकिन इस कहानी में रखना पड़ा मुझे. मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा. नहीं सर मैं पैकेज बताने नहीं आया. सर मैंने 6 महीने जॉब करके अब छोड़ भी दिया है और अब मैं USA पढ़ने जा रहा हूँ और आपको सिर्फ ये शेयर करने आया कि आप बहुत बोलते थे सेल्फ स्टडी बढ़ाओ आत्मचिंतन करो थोड़ी देर खाली बैठो दिन भर में. सर वो जाके 3rd ईयर में क्लिक कर रहा मुझे. पता नहीं कहां से मैं किसी दिन खाली बैठा था विदाउट मोबाइल विदाउट एनीथिंग तो मेरे दिमाग में क्लिक किया वो वाला लेक्चर आपका कि सेल्फ स्टडी मल्टीप्लाई करनी है. दिन भर में एक टाइम ऐसा होना चाहिए. ये तो पेरेंट्स के लिए मेरे लिए भी फायदेमंद है. दिन भर में एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि हम खाली बैठे कुछ नहीं कर रहे. नो मोबाइल नो टेलीविजन नो रिलेशन कुछ नहीं. आप किसी को जानते नहीं. क्या मैं मेडिटेशन करने के लिए कह रहा हूं. अरे भैया आप खाली बैठ के देखो आपको खुद पता चलेगा मेडिटेशन क्या होता है. कोई इंसान मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते करते एक नया सॉल्यूशन ले आए इसका मतलब उसको मेडिटेशन आता है. कोई इंसान गेम खेलते खेलते इतना डूब जाए कि उसके पैर में चोट लग गई है फिर भी टीम का मैच चल रहा है और मैच खेलते खेलते गोल कर दे और टीम जीत जाए और बाद में उसको एहसास हो हड्डी टूटी हुई है इसको तो उसको मेडिटेशन आता है. Who is not doing meditation? Everybody is doing meditation. लेकिन हम अपने इस हार्ड डिस्क में अपने इस कंप्यूटर में इसको इतना परेशान कर रहे हैं. योर माइंड इज पजल्ड.
ऑनलाइन में क्या हुआ कि अच्छा खासा क्लास अटेंड हो रही थी, बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया। आप तो बच्चे हैं, बड़े बड़े लोग अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए। पूरे 2020 में मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 10% पेरेंट्स मिले आए। 2020 मतलब जो 19 से 20 तक पढ़े, 10% ओनली 10% तक कोरोना नहीं था। जब मैं 2009 में भिलाई आना शुरू हुआ, 2009 से लेके करीब 11 साल तक मैं हर वीक आता था, दिल्ली से आता जाता था। 2009 से लेके करीब करीब 2017 तक 90% पेरेंट्स आता था और मिलता था। 90% इमेजिन, पेरेंट्स को बोल दिया ऐसे खड़े हो जाओ तुम बच्चे की तरह खड़ा हो जाओ। नहीं, मैं कुछ आपसे पावरफुल नहीं हूं, पेरेंट्स से बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है आपसे बहुत छोटा इंसान, एक सिंपल बीटेक, एक सिंपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और कुछ भी कुछ बहुत बड़ा नहीं किया मैंने। बट आप देखिए, एक आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर फोन करते हैं, मुझे अपने घर बुलाते हैं कि साहब आइए मिलिए चाय पे, मैं जाता हूं। वो आईएएस ऑफिसर मुझे, ये 2017 से पहले की बात कर रहा हूं, अभी तो सिनेरियो बदला हुआ है, वो सेक्रेटरी इतना एक टॉप मोस्ट पे, वो मुझे घर बुला के अपने ऑफिस में रायपुर में बुलाता तो भी मैं जाता। उनके घर गया, उन्होंने घर पे मुझे बुलाया, बातचीत की, मुझे कार तक मार छोड़ने आ रहे। जानते सिर्फ क्यों? कि उनके बच्चे पे ये इफेक्ट नहीं पड़े कि वो सेक्रेटरी का बच्चा है, वो टॉप लेवल के बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसको इस टीचर से पढ़ना है, टीचर मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस टीचर से पढ़वाना है तो इस टीचर का 100% इफेक्ट मेरे बच्चे पे पड़ना चाहिए, इसलिए मुझे टीचर से बार बार मिलना है। वो सेक्रेटरी जब भी मिलने आ रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके नहीं आ रहे, वो चाहे तो मिल सकते हैं मुझे, आप पावरफुल हैं तो धमका सकते हैं मुझे। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं आसानी से नहीं आता धमकी, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। पाना मुझे सिर्फ यही है कि जो इस साल मेरे पास बच्चे आए हैं उसमें से मैक्सिमम को मैं सही जगह सेट कर दूं। 2013 में मेरे पास 110 बच्चे होते थे एक बार, मतलब टोटल 12 लेते ही नहीं था, इससे ज्यादा 100 या 110। 90 स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस में ज्वाइन करते थे, 90। ये जो साल निकला है ऑनलाइन वाला, 150 में 70। कभी आपने सुना होगा कि अपनी बुराई करेगा, मैं तो करूंगा, मैं तो सत्य बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उन 70% लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पाया जो थोड़े से पुश, थोड़े से मोटिवेशन, थोड़ी सी मेरी डांट, थोड़ा मेरा देखना ही कई बार खतरनाक होता है। कई लोग मेरी आंखों से बड़ा परेशान होते हैं क्योंकि एक बार जरा मैंने थोड़ा गौर से देख भर लिया, वो लाइन पे आ जाते। कई बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, वो नहीं कर पाया। वो जो तालियां चाहिए थी कविता सुनाने के बाद, वो सुनाई थी ऑनलाइन, तो सुनाई कैसे थी? आपका तो वीडियो वॉइस सब हमने बंद करा रखा था, मुझे देखना है आपका कैमरा बंद था। तो वो जो एक म्यूचुअल आपस में जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज, जो फीलिंग का ट्रांसफर हो रहा था, वो कहीं हुआ ही नहीं। तो 2017 तक मैं बात कर रहा था, हर पेरेंट्स 90% पेरेंट्स मिलने आता था। उसके बाद से धीरे धीरे आज हालात ये हैं, 21 की तो बात ही नहीं करते, उससे जस्ट पहले तक ही 10% पेरेंट्स मुझसे मिल रहा है, ओनली 10%। आई एम सरप्राइज्ड, व्हाई? एक पेरेंट आए मेरे पास, कहानी जरूर सुनाऊंगा, और सत्य कहानी होगी, नाम नहीं आएगा, कभी भी नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि उसके जीवन का सवाल है, उसने मुझ पे बहुत 100% भरोसा किया है। थिंक, इसीलिए इन कहानियों को शेयर कर रहा हूं। बिलीव, उसको मेरे पे भरोसा था, इसीलिए उसने अपनी कहानी मुझे बताई या उसने अपनी बात मुझे शेयर की। और जब ये दोनों होने लगेगा तभी आप एंजॉय कर पाएंगे, इसीलिए बार बार मैं ये लाइंस बोलता हूं, इसीलिए बार बार समझाता रहूंगा, इसीलिए बार बार स्ट्राइक करूंगा कि आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड हो जाएं और मेरे क्लास में 100% देना शुरू कर दें। मेरी क्लास से मतलब केसीएस, नॉट ओनली माय क्लास। अगर आप 100% देना शुरू कर दें तो ये चमत्कार आप करेंगे, हम नहीं। मैं इसीलिए ये छोटी छोटी बातें
छोटी छोटी कहानियां आपके साथ शेयर करता रहता हूं। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, अभी तक दो पेरेंट्स हो चुके हैं, वो एक सेक्रेटरी हो चुके जो मुझे कार तक छोड़ने आ रहे हैं। और आपको जान के सरप्राइज होगा, उनका बच्चा जब ऑफिस के अंदर एंटर करता था तो अटेंडेंट को भी गुड मॉर्निंग बोलता था खुद। क्या हुआ, उसने अपने सॉफ्टवेयर को यहीं से बचपन से ही ठीक करना शुरू कर दिया। तो जब पढ़ाई भी करेगा तो छोटे से क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेगा। छोटे इंसान को ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से इंसान छोटा नहीं होता है, काम होता है, इंसान सब बराबर होता है। लेकिन वो ऑफिस के अंदर एंटर करेगा गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, कोई किस लेवल पे हो, सर बोलते थे, किसी को भैया बोला, किसी को सर बोला, किसी को मैडम बोला, यानी जो उसने अपने सॉफ्टवेयर को धरातल पे रखा हुआ है, धैर्यवान बनाया हुआ है, पेशेंस है उसके पास। और अब जब वो क्वेश्चन को भी देखता है तो वहां भी पेशेंस है, क्वेश्चन को जब पढ़ रहा है तो वहां भी पेशेंस ही, वहां भी काम आती है। जब सॉल्यूशन को सोच रहे हैं तो वहां भी धैर्य है कि सर ने बोला था एक और सोचना है, धैर्य, अगले पे मत भागो, एक और मेथड सोचो, पेशेंस। और ये कैसे बनता है, बहुत छोटे छोटे कामों से बनता है। एक पेरेंट पे आते हैं वापस, एक कहानी भी याद आ गई, बहुत सारी कहानी आई और सब लाइव होंगी, सब मतलब हेल्थ ग्रुप लिख सकते हैं उनके आखिर। इन 2013 अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम मैं भूल गया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे छोटी छोटी चीजें कहां तक आपको परेशान करती है। आप 11th में कबड्डी खेलते रहे और 12th में आप बोले अब कुछ करके दिखाओ सर, मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन आप अभी भी कबड्डी खेलते रहो और आखिरी के दो महीने बाद फिर आ जाओ मेरे पास कि सर अभी भी कुछ आइडिया है। एक बिल्कुल सीरियस बात करता हूं, अभी थोड़े दिनों पहले एक बच्चे का फोन आया, 12th का फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया 55% मार्क्स। बोला सर आपने मोटिवेशन लेक्चर में बोला था बहुत पहले कि आखिरी में भी आओगे तो भी मेरे पास आइडिया है। आपने प्रॉमिस किया था आपके पास कोई आइडिया है, सर प्लीज सेव मी, मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, क्या कोई आइडिया है? एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो, मैंने अभी भी उसको पॉजिटिव बात की और उसको आइडिया दिया। क्या वो आइडिया आपको भी दे दूं? अरे क्यों दे दूं भाई, अरे अभी आपके लिए क्या जरूरत है उस आइडिया की? शायद कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, मैंने क्लास में बताया, उस बच्चे का नाम नहीं बता सकता, उस बच्चे ने खुद ही अपने नाम को प्रसारित कर दिया, वो अलग बात है। जेई मेन का पेपर दिया उसने, कुछ रैंक भी एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा आपको, पता चल जाएगा, रैंक उसकी कहीं 70 से 90,000 के बीच में, 70 से 90,000 के बीच में। मेरे पास दौड़ता हुआ आया, सर हमने 2 साल कुछ पढ़ाई नहीं की, कोई आइडिया है आपके पास? आईटी बहुत चले, मैंने कहा है जी है, क्योंकि उसके पास दिमाग था, क्लासेस सुने थे, लेक्चर सब सुने थे, ऐसा मत सोचो कि हम भी यही आइडिया इस्तेमाल करेंगे। वो भाई साहब उसने बैकग्राउंड में कैसे अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया आपको क्या पता, आप बस कहानी सुन के, अच्छा सर के पास आखिरी के 2 महीने में भी आइडिया हुआ, लेट्स एंजॉय। उसने जैसे ही जेई मेन का पेपर दिया, रिजल्ट आया और मुश्किल से 2 महीने का गैप बचा होगा जेई एडवांस में, बोला सब आइडिया है, मैंने कहा है तो, लेकिन पहले ये मुझसे प्रॉमिस करो कि 100% आप फॉलो करोगे, अब तक तो नहीं करे। मुस्कुराते हुए, सर आप चिंता नहीं करिए, आप कहेंगे तो धूप में खड़े होकर पढ़ेंगे, पानी में खड़े होकर पढ़ेंगे, डांस करते हो आप जैसे बोलोगे वैसे पढ़ेंगे, सोएंगे नहीं आप, कह दो बस। मैंने कहा ठीक है बेटा आइडिया। भाई साहब जेई एडवांस का रिजल्ट आया, डांस करते हुए आया, मिठाई का डब्बा लेके, आईआईटी में पढ़ रहा है, भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं, किसी भी एग्जाम्पल को एज इट इज फॉलो नहीं करना है, उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, 2 साल उसने क्लासेस एक ही अटेंड की, पढ़ा नहीं, उसके पास रैम ऑलरेडी अच्छी इनबिल्ट थी, तो हमने उसका एडवांटेज उठा लिया, क्यों? क्योंकि उसने क्लासेस सब अटेंड की हुई थी, तो मैंने उस फायदे को उठाया। तो अटलांटा की उस यूनिवर्सिटी में, बोला नहीं मैं सीक्वेंस में आता हूं वापस, अटलांटा की उस यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक केज में माइस को रखा गया और उसमें बेरी जो ब्लैकबेरी या किसी की भी स्मेल छोड़ी थी, एक तरफ से स्मेल छोड़ी, दूसरी तरफ से करंट लगाया, तो जब वो स्मेल छोड़ी और करंट लगाया तो चूहा जिस तरफ से करंट उसको शॉक लग रहा दूसरी तरफ भाग रहा, और ऐसा उन्होंने लगातार किया, कुछ दिन करते रहे, करंट और वो स्मेल खुशबू। थोड़े टाइम में उन्होंने क्या किया कि करंट हटा लिया और स्मेल चलाई,
जैसी स्पेल चलाई चुआ बेबाक है, जैसी स्पेल चलाई चुआ बेबाक है। फिर क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट लंबा चला। उस चूहे का नेक्स्ट जनरेशन जब आया तो उन्होंने क्या किया, अब की बार करंट नहीं दिया, सिर्फ स्मेल। जैसे ही वो बेरी की स्मेल उसमें गई, वो चूहा एक तरफ से दूसरे भाग जाए। फिर नेक्स्ट जनरेशन उसमें उसने स्मेल दी तो फिर चूहा भाग जाए। रानी, हम जो आज इस लेक्चर में यहां कर रहे हैं, इसका इफेक्ट कहां तक हो सकता है? इमेजिन, जो आपके पास आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन आई, वो सोचो कहां से आई है। ये कोई मैं इसमें स्टोरी भी सुनाऊंगा, माइथोलॉजिकल भी सुनाऊंगा, लेकिन मैंने पहले साइंटिफिक सुना दी। प्रूफ है, आपके सामने है। द मोमेंट हाउ यू आर पासिंग दिस मोमेंट, लाइफ इज ओनली एट दिस मोमेंट, दैट्स इट। कल क्या होगा आप इस मोमेंट के बाद, अरे इस मोमेंट को जियो, इसको एंजॉय करो। हम यहां आए, हम अपना टाइम लेके आए, और उससे भी बड़ा हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। वो 100% अभी देंगे तो चमत्कार होगा ही होगा। और चमत्कार जानते क्या, हैप्पीनेस, खुश होना। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस हॉल में भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको मैंने इंडिविजुअली बताया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेचारे बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ रहे, जैसे मैंने कहा वैसे पढ़ रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे हैं। या बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत से पढ़ रहा है, सिस्टमेटिकली पढ़ रहा है, पहले एनसीईआरटी सॉल्व करनी है हमने बताया, फिर अपना जेईई मेन का बुक करना है, फिर जेईई एडवांस का बुक करना है, वो सीक्वेंस पे चल रहा है, बट जैसे ही पेपर देने जाता है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? ऑन द डेली बेसिस वो अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाए जा रहा है। जब फिर जब आता है मेरे पास कि सर जब वही पेपर लेके हम घर बैठते हैं तो पेपर मैक्सिमम सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन जब एग्जाम में जा रहे हैं तो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा। प्लीज उस बच्चे को देखो जो 2 साल एंजॉय किया, मेरी क्लासेस अटेंड किया और आईआईटी में पढ़ रहा है। फिर आके मुझसे पूछते हैं कि सर वो तो आपके डाउट्स भी ढंग से नहीं सॉल्व कर रहा था और वो आईआईटी पहुंच गया, और हमने तो क्या कुछ नहीं किया, और हम एनआईटी भी नहीं पाए। प्लीज जीरो करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल को जीरो करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा लाइव बात करूंगा और वही शेयर करूंगा जो खुद करता हूं। अपने घर पे हम लोगों ने रूल बनाया, हम 3 लोग हैं, मैं, वाइफ और भांजी साथ में, वो भी पढ़ रही है आपकी घर, वो भी जेईई की तैयारी के लिए। हम लोगों ने रूल बनाया कि जैसे ही खाने पे बैठ जाएंगे टीवी 1 मोबाइल टच नहीं होगा, और अगर मैंने ऑन की टीवी तो पनिशमेंट बाकी दोनों को मिलेगा। रूल बड़ा तगड़ा बनाया। बैठ टेम्पटेशन हुआ कि भाई अभी भी कुछ वॉर का कुछ न्यूज आने वाला है, मैं न्यूज बहुत ज्यादा है, मैं भी एडिक्टेड हूं, हर एक इंसान कुछ ना कुछ एडिक्शन हो जाता है, तो वो न्यूज देखने का बड़ा मेरा मन होता है। तो मैंने बोला रूल ये है कि अगर मैंने टीवी ऑन की तो पनिशमेंट दोनों को मिलेगा, यानी दोनों को हावी हो जाना है, टीवी ऑन नहीं हो सकती है, खाने का टाइम नहीं। जब आप खाना मन से खा रहे होते हैं, आनंद लेते हुए खा रहे होते हैं, तो डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन होता है। खाना आनंद से जब आप खाते हैं तो पचता भी बढ़िया है। ये बात खाना बनाने पे भी लागू होती है। मैं बहुत बढ़िया सब्जी बनाता हूं साहब, और कुछ कहीं से नहीं सीखा, बस खुश होके बनाता हूं। बर्तन भी बहुत अच्छे धोता हूं, हमारे घर में रूल है, नहीं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, सब अपने अपने हिसाब से बनाओ, हमारे यहां रूल है, मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद अपने बर्तन धोऊंगा, धो लूंगा और रख। कोई मुझे बोला कि आप बहुत बिजी इंसान है, टाइम मिल जाएगा, पीटीएम, किसी ने पीटीएम का नाम लिया, आप लोग पीटीएम नहीं कराते, मैंने कहा जी पर डे पीटीएम, रोज आइए, रोज मिलिए, फोन करिए, टाइम लीजिए, हो सकता है मैं क्लास में हूं, हो सकता है आप उस टाइम पे नहीं आ सकते, फोन करिए, वो लोग करेंगे, जो भी मैम लोग बैठे हुए हैं, काउंसलर्स बैठे हुए हैं, दे विल अरेंज द टाइम, मिलना पड़ेगा। हम 3 लोग जब सिंक्रोनाइजेशन पे चलेंगे, आप ठंडे दिमाग से सोचो, आप अपने को कंट्रोल, पेरेंट से बात कर रहा हूं, आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस मोबाइल को लेके, तो बच्चे ने कैसे कंट्रोल किया होगा। हेड्स ऑफ टू यू जो लोग पढ़ के ईमानदारी से अच्छे मार्क्स ले आए इस मोबाइल की दुनिया में। कोई मुझसे पूछे क्या JEE क्वालिफाई करना डिफिकल्ट है या आसान है, तो मैं बोलूंगा बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी तरफ बोलूंगा
बहुत ज्यादा आसान है। आप कहेंगे बड़ा अपोजिट टाइप के स्टेटमेंट दे रहे हो, अरे भैया मोबाइल खा गया आपका दिमाग, मोबाइल ने आपके दिमाग में इतने सारे सॉफ्टवेयर डाले हैं कि वो दूसरा सॉल्यूशन बनाना तो छोड़ो, पहला वाला जो सर बताए वही समझ जाओ काफी। इसलिए क्वालिफाई करना आसान है, क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने को बचाया, अगर आपने खाली टाइम निकालने का प्लानिंग किया तो चमत्कार कर देंगे, अकेले कर देंगे। सुन रहे होंगे आप ये बात, 2020 के इंटरव्यू में देख रहे थे आप, तब स्टूडेंट बता रहा है कि सिर्फ एनसीईआरटी से केमिस्ट्री पढ़ ले तुझे ये एडवांस भी अच्छा हो जाता है, आई नहीं रहा, डिफिकल्ट है ही नहीं पेपर। मैथमेटिक्स के जो लेक्चर हुआ है उस नोट्स के क्वेश्चंस को अगर हम ढंग से पढ़ लें तो 25 में 20 मिनिमम, 20 मिनिमम, आई एम टेलिंग यू मिनिमम 20 क्वेश्चंस वी कैन करेक्ट। और आसानी से हम कहां की राह देख सकते हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद मतलब नंबर वन इन सॉफ्टवेयर, मुंबई को टक्कर देता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने दिमाग को शांत करना है। जैसे मैंने अपना प्लान बनाया, ऐसे आप लोग भी घर पे अपना प्लान बना सकते हो कि हम प्लांट से आए, हम ऑफिस से आए, या हम कॉलेज से आए, या हम पढ़ा के आए, हम सब अपना मोबाइल एक जगह रखेंगे, सब रखेंगे तब बच्चा कर पाएगा। आप बोलेंगे नहीं साहब प्लांट में हमें कभी भी जाना पड़ सकता है, ठीक है तो आप अपना ऑन रखिए, क्योंकि हर एक की कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। इसलिए मैंने नहीं बोला कि मेरे ही जैसा रूल बना दीजिए, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं 24 आवर्स काम कर सकता हूं। जब दिल्ली से यहां आता था हर सप्ताह तो रात के 12 बजे सोता था, 3 बजे उठता था, सुबह 8:30 बजे भिलाई में क्लास लेता था, दिल्ली से चला। सिर्फ मैनेजमेंट करना है, और वो मैनेजमेंट जानते किसका करना है, नो टाइम मैनेजमेंट, नो कोई जरूरत नहीं, फीलिंग मैनेजमेंट, यानी अपने दिमाग को शांत करने का प्रयास करना है। आप में कितनी ताकत है, एक कविता, सबको पता है मैं कविता लिखता हूं और उसी से थोड़ा मुझे भी जोश आता है, तो एक सुनाऊंगा और फिर कहानियां आई। अब कहानियों पे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा लाइव बातें काफी हो, लाइव थी ये जो पेरेंट्स की बातें कर रहा था। ऊंची उड़ान भर सकते थे तुम, ऊंची उड़ान भर सकते, बस थे हटा देता हूं इसमें से क्योंकि अभी ऊंची उड़ान भरनी है ना भाई। ऊंची उड़ान भर सकते हो तुम जो गिरने का डर ना हो, ऊंची उड़ान भर सकते हो तुम जो गिरने का डर ना हो, सागर की गहराइयों से मोती ला सकते हो तुम जो डूबने का डर ना हो। बहुत डराया इस डर ने, जब स्विमिंग करना सीखते हैं फिर डूब ना जाए, सीख रहे थे समुद्र में गए नहीं, मोती कहां से लाएंगे, पहले यहां तो सीख लो, पैराग्लाइडिंग करेंगे पहले थोड़ा डर तो खत्म करो। ऊंची उड़ान भर सकते हो तुम जो गिरने का डर ना हो, सागर की गहराइयों से मोती ला सकते हो तुम जो डूबने का डर ना हो। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत डराया इस डर ने, बहुत डराया इस डर ने, अब डर के डरने की बारी है और कर लो दृढ़ संकल्प, अब तो मंजिल पाने की बारी। कविता पे तीन कहानियां, और आप गूगल कर सकते हैं, सर पे अगर भरोसा नहीं है लेकिन पहले ही सवाल लिखा है सामने, थिंक बिलीव एंड जॉय। मेरी कहानी में जगह हो सकता है बदल जाए, पात्र का नाम हो सकता है बदल जाए, लेकिन कहानी सत्य है, क्योंकि जब ये कहानी मैं सुनाऊंगा तो मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगा। तो आप अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब थिंक बिलीव नहीं किया तो एंजॉय कहां से आएगा, इसलिए एंजॉय नहीं लिखा मैंने। एंजॉय तो बड़ा आसान है, मोबाइल में गेम खेलो एंजॉय हो जाता है। एंजॉय जब ऐसी फीलिंग, अब जब मैं आपको बता ही देता हूं, सुबह मेरी हालत ये था कि मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, एकदम सब शेयर करता हूं। मॉर्निंग में उठा मैं, रनिंग और वॉक पे जाता था, रनिंग कर नहीं पाया, ताकत नहीं लग रही थी, कोरोना के बाद से अभी भी कुछ घायल, कई स्टूडेंट्स को पता भी है, फिर भी मैंने पूरे साल क्लास लिए नॉन स्टॉप, चेस्ट पेन होता रहा 6 महीने लगातार, डॉक्टर कहते रहे
आराम भी करो, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अच्छे से बोलते रहे कुछ काम जरूर करते रहो। मुझे लगता है आपने बचाया है, मुझे लगता है मैं आपके साथ था, क्लास लेता रहा, इसलिए मैं अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हूँ। सुबह उठा, सुबह उठते ही ठीक लग रहा था कम कम, फिर भी मैं वॉक पे गया, रनिंग करने की बजाय वॉक की। घर आया, मेडिटेशन करने बैठा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कुछ दवाइयाँ जब आप लेते हैं तो उसका असर भी फिजिकल बॉडी पे पड़ता है, तो मेंटल बॉडी को डिस्टर्ब करता है। सुबह इस हॉल में आने से आधे घंटे तक पहले था, शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो जसवी सक्सेना सर को फोन करूं कि भाई कुछ काम चल सकता है क्या, ऐसा दिमाग में आया। लेकिन जब से मैं यहाँ खड़ा हूं ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं घंटों बोलूंगा, सामने वाले लोग बोलेंगे बस करो भाई, घर जाना है, भूख लग रही है। सिर्फ जानते क्या है, एंजॉय। जब आपके सामने आ गया तो जो मैं आपको सुना रहा हूँ अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया मैंने, और जब तक मैं अपने ऊपर नहीं लगा रहा हूं तो आपको सही बात लगेगी कैसे मेरे भाई। तो मैं इंजॉय करना शुरू कर दिया, और अब मेरे पास इतनी ताकत है मैं शाम तक लेक्चर ले सकता हूँ और आपसे लगातार बात कर सकता हूँ, और बिलीव मी मुझे बहुत मजा आएगा। आपकी बात नहीं, आप अपनी जानू भाई, बी सेल्फिश क्लास में ही बोलता हूँ, अरे पहले खुद तो सोल्यूशन ले आओ भैया, फिर दूसरे को क्यों गलत बताओ, बी सेल्फिश, क्या पता वो कुछ और नया बता दे, इसलिए दूसरे को जरूर बताओ। तीन कहानियां, डेंजरस मैन दिव्यांशु, माइटी मानसी जोशी, सुपर संजय उपरेती, तीन लोगों की कहानियां गूगल कर सकते हैं। डेंजरस दिव्यांशु, डेंजरस मैन दिव्यांशु, बचपन में बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती, कुछ बलग इसमें भी होंगे, साइकिल चलाना है, तेज चलाना है, गिर जाएंगे, तेज साइकिल चलाना है, दौड़ के चलना है, किसी को भी कुछ बोल के भागना है, कुछ ऐसे एनर्जेटिक लोग होते हैं, लगता है बड़ा बेकार टाइप है, इसको तमीज नहीं, ऐसा भी कई बार लोग उनके लिए बोलते हैं। लेकिन जो अपना डेंजरस दिव्यांशु है वह बच्चा नहीं है समय, इस समय उसने एक दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ABBF, Adventures Beyond Barrier Foundation, जो सहायता करती है उन लोगों को जिनको कुछ एडवेंचरस करना है, और आपको जान के सरप्राइज होगी, उन लोगों की सहायता करती है जो हैंडीकैप्ड है, जो देख नहीं सकते, कोई चल नहीं सकते, किसी के पास हाथ नहीं है, ऐसे लोगों की सहायता नहीं, सही लोगों की भी करती है लेकिन ऐसे लोगों की ज्यादा करती है। डेंजरस दिव्यांशु, आराम से खूब जीवन का एंजॉयमेंट हो रहा था, खूब तेज ना, और खूब घूमना फिरना, खूब दोस्तों के साथ एंजॉय करना। एट द एज ऑफ 19 ग्लूकोमा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। अब एक ही ऑप्शन है भाई, दूसरों का सहारा लो, किसी तरह काम चलाओ जीवन का। किसी ने उसको आइडिया दिया कि बेटा कुछ दिए बनाना सीख ले, कुछ ऐसे काम जो आसानी से आंख बंद करके भी किए जा सकते हैं वो सीख के वो जीवन चलाना। लेकिन दिव्यांशु साहब कहां मान लेते, थोड़े दिनों में उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुला कि भाई साइकिल चलाना सिखाओ दोबारा से। उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, कुछ साइकिल के आगे लगा लिया, कुछ आवाजें सुनाई दे हमें चारों तरफ की, और शुरू कर दी साइकिल चलाना। साइकिल चलाने से शुरुआत की, धीरे धीरे माउंटेन्स की साइड में साइकिल चलाना शुरुआत की। साइकिल चलाते चलाते बहुत निपुण हो गए, सोचा ये तो हो गया। सुना है पैराग्लाइडिंग में हाथ पैर की आंखों की कोई जरूरत होती नहीं है। दिव्यांशु साहब ने किसी पैराग्लाइडिंग वाले से कांटेक्ट किया और बोला गुरुजी सिखाओगे क्या, गुरुजी पे भरोसा, आंख हमारी नहीं गुरुजी की तो है भरोसा। मैंने कहा बहुत बड़ी चीज, थिंक बिलीव देन एंजॉय। दिव्यांशु जी ने क्या खत्म कर दिया, डर। पैराग्लाइडिंग सीख डाली साहब, सोलो पैराग्लाइडिंग करने वाला ब्लाइंड इंसान फर्स्ट इंसान बन गए। 500 किलोमीटर साइकिल चलाना पहला इंडिया का हैंडीकैप्ड इंसान बन गए, यानी जिसके आंखें नहीं। सोचे यहां तक नहीं रुके हो भाई साहब, स्कूबा डाइविंग, और जानते हैं अभी वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों को सिखाते हैं। एक मिस्टर अशोक, उनका स्टूडेंट उन भाई साहब का, जिसका एक पैर कट गया एक्सीडेंट में,
माउंट एवरेस्ट चढ़ाया। बोले क्यों चढ़ाए? बोले डेंजरस दिव्यांशु की वजह से। इसलिए इन्होंने सिखाया और वो भाई साहब कहां चढ़ के आ गए? माउंट एवरेस्ट। इमेजिन आपके पास तो सब है, यही कहीं नेगेटिव हो रहा है? नहीं, आप सोच नहीं रहे, थिंक यू आर हैविंग एवरीथिंग बट यू आर नॉट थिंकिंग। आप सोचने का टाइम ही नहीं है आपके पास, आप इतने ज्यादा गैजेट्स में इन्वॉल्व है, यू आर नॉट थिंकिंग व्हाट आर योर पावर्स। देखो जब उसको दिखाई देना बंद हो गया तो उसने अपनी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। Can you believe it? पैराग्लाइडिंग कर रहा है, 500 किलोमीटर साइकिल चला रहा है, स्कूबा डाइविंग कर रहा है, और तो और अब यूएसए की दो यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर है साहब, दो कंपनी बना ली है उनके डायरेक्टर हैं साहब, और फॉर्च्यून 500 जो टॉप कंपनीज है उनको मोटिवेशन के लिए बुलाती है, टॉप कंपनीज को खोला जो भी फॉर्च्यून 500। इमेजिन व्हाट इज योर पावर, और सिर्फ पावर कहां से आती है? जब डर खत्म हो जाए। इसीलिए मैंने कविता की शुरुआत कहां से की थी? ऊंची उड़ान भर सकते हो तो अगर गिरने का डर ना, डर को निकालना है, और डर आसानी से नहीं निकलता मुझे भी लगता। क्या चाहिए? साथी, क्या चाहिए? पेरेंट्स, क्या चाहिए? वो लोग जो हमारे सॉफ्टवेयर पे डेली बेसिस पे कुछ कुछ पॉजिटिव फीड कर। माइटी मानसी को देखिए जरा, अभी एक तीन स्टोरी है इस पे। माइटी मानसी जोशी, अच्छा खासा गुजरात में उन्होंने जन्म लिया, आनंद उठाते हुए मुंबई से उन्होंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग से जुड़ी स्टोरी, क्योंकि आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं। मुंबई से उन्होंने इंजीनियरिंग की और वहीं पे उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब मिल गया। आराम से जीवन चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बेहतर था। 2010 में उनको जॉब मिल गया और वो 11 में जॉब कर रहे थे कि एक दिन रास्ते पे जा रहे थे, एक लॉरी सामने से आई और वो रॉन्ग डायरेक्शन में आ रही थी, इनकी स्कूटी में टक्कर मारी, इनका पैर क्रश हो गया। एक हॉस्पिटल में पहुंच गए, 45 डेज लगभग क्रश हो गया, यानी डॉक्टर ने बोला इसको तो काटना पड़ेगा, एम्प्यूट करना पड़ेगा, तो उसको काट दिया गया और फिर प्रोस्थेटिक लेग लगा दिया गया। अब मानसी के पास क्या ऑप्शन था कि भाई घर बैठो, तो मानसी कैसे मानती, क्योंकि वो बचपन से बैडमिंटन स्कूल में खेल रही थी, बचपन से स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट किया था। बताया अभी आपने वीडियो देखा होगा एरन और थॉमस का कि वो 1.5 घंटे फुटबॉल खेलते थे। जरूरी है, मोबाइल से बेहतर क्या है कि आप सुबह उठ के रनिंग कर लीजिए, कोई गेम खेल लीजिए जिसमें आप फुल्ली इन्वॉल्व हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या हुआ, आपका ये माइंड क्या हो गया? रिफ्रेश। माइटी मानसी कहां मानने वाली थी? जैसे ही वो प्रोस्थेटिक लेग लगा उसके बाद उसने दोबारा शुरू कर दिया चलना, धीरे धीरे चलना शुरू किया और फिर पहुंच गई अपने ऑफिस कुछ ही टाइम में, 6 महीने के बाद ऑफिस यानी दोबारा से अपने जॉब पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन माइटी मानसी है, अभी कैसे रुक जाए? अब तो कुछ बड़ा होगा ना भाई, पहले पैर था तो सिर्फ जॉब था, अब तो पैर नहीं है तो कुछ बड़ा करेंगे ना, मुझसे कुछ लिया है तो कुछ वापस करना पड़ेगा। ये ऐसे अपने दिमाग को बोलना है। मानसी को बैडमिंटन खेलना आता था तो वही अपनी कंपनी में थोड़ा थोड़ा बैडमिंटन खेलना शुरू किया था, जीतना शुरू कर दिया। जब जीतना शुरू कर दिया तो किसी की नजर पड़ी कि भाई आप तो बहुत अच्छा खेलते हो, क्यों नहीं पैरा, जो इंडियन पैरा ओलंपिक की टीम है, नेशनल टीम है, उसमें पार्टिसिपेट, ट्राई करो, ट्रायल दो। उसने ट्रायल दिया, पुलिना गोपीचंद साहब ने उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया, एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया, और यहां ही नहीं 2020 में उसको नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द लीडर का अवार्ड टाइम मैगजीन ने दे दिया। बीबीसी के 500 टॉप 500 लोगों में उसका नाम आ गया, और जो बीबीसी में जो टॉप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिसमें पीवी सिंधु का भी नाम आता है, वहां माइटी मानसी जोशी का भी नाम जोड़ दिया। और बारबी गर्ल बनाने वालों ने 2010 में उसके नाम पे गर्ल भी बना, डॉल भी बना। इमेजिन आपके पास क्या लेवल है, आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो, क्या इंतजार कर रहे हो? क्या कोई नुकसान पहुंचे इसका इंतजार?
कोई कहता है भूत भूत सुना है? नहीं मैंने देखा नहीं, मुझे मिलेगा तो जरूर उससे बात करूंगा। अरे भाई भूत आपकी स्लीप कम कैसे हो सकती है? आपके पास सिर्फ एनर्जी है, मेरे पास बॉडी है, मेंटल बॉडी है, एनर्जी है, मेरे पास तीन चीजें, कैसे लड़ेगा भूत? मुझे डराते ना बचपन में, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल बचपन से ही डराना शुरू कर दिया। भूत है बेटा, भूत है, उधर मत जाना, पुलिस वाले हैं। जैसे नहीं बच्चा खाना नहीं खा रहा, बेटा पुलिस वाले बुलाओ क्या, भूत से मिलवाओ क्या? शुरू से ही जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या डालना शुरू कर देते हैं? डर। और फिर क्या कहते हैं? डर के आगे जीत है। अरे डाले ही क्यों भैया डर? अरे लेट मी फ्री, लेट मी एंजॉय द लाइफ। फ्री सीरियसली माइंड को फ्री करके देखो, बहुत मजा आने वाला है। थिंक, आपसे मैं कह रहा हूं, पेरेंट्स से भी कह रहा हूं, बच्चों से तो छोड़िए, घर में 10 मिनट खाली बैठे, नो मेडिटेशन ना। मैं नहीं कह रहा कि लंबा लंबा सांस लीजिए, छोड़िए आप करी करेंगे कुछ कुछ खाली चलने लगेगी, बस खाली बैठे। मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, कोई घर का सदस्य नहीं, खाली बैठना 10 मिनट मजा आने लगे, इतना बढ़ाते बढ़ाते क्योंकि वहीं से आपको बहुत सारे सोल्यूशन लाइफ के मिले। सुपर संजय पे आते हैं, तीसरी कहानी। संजय साहब सब इंस्पेक्टर पुलिस उत्तरांचल, अभी इंस्पेक्टर पुलिस उत्तरांचल है, इनसे मैं मिला भी, तो ये और भी लाइफ कहानी है मेरी। एट द एज ऑफ 37 ये बड़ा मतलब स्कूल में कॉलेज में जब भी पढ़ रहे थे और जॉब में भी, इनको माउंटेन चढ़ने का बड़ा भारी शौक, मतलब इनको इनका सपना था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे और दुनिया की जो भी पीक्स है उनको सबको कंक्वायर करें। एट द एज ऑफ 37 इनके चेस्ट में पेन हुआ, डॉक्टर को दिखाने गए, जो सिम्टम्स थे, जो इको किया उसमें कुछ गड़बड़ मिल गया, बोले जी एंजियोग्राफी होगी आपकी। एंजियोग्राफी की 75% ब्लॉकेज है आपके, आपको स्टंट डालना पड़ेगा। कई बार जैसे गुरु जी होते हैं वैसे घर का कोई सदस्य भी गुरु बन जाता है। इनकी वाइफ ने समझाया कि हम लोग स्टंट नहीं डालेंगे। कई बार लगता है ना, जैसे आपने कई मूवी में देखा होगा, गुरु जी के पास कराटे सीखने गए थे, वो कुएं से पानी खींचने के लिए बोल रहे हैं, कोई मूवी याद आई होगी आपको? गुरु जी के पास बैडमिंटन सीखने गए थे, वो दौड़ाए जा रहे हैं, एक साथ दौड़ा रहे हैं, भाई शुरू करो बैडमिंटन खेलना है। अरे आपको क्या पता गुरु जी ने क्या प्लान करके रखा है आपके लिए? उनकी वाइफ ने बोला नहीं हम स्टंट नहीं डालेंगे। उन्होंने उनकी वाइफ ने कुछ आयुर्वेदिक की नॉलेज थी उनको, कुछ कुछ आयुर्वेदिक उन्होंने मेडिसिन और खाने पे ध्यान दिया और धीरे 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 उन्होंने रनिंग शुरू की, क्योंकि वो बड़ा शैटर्ड हो गए थे कि हमें तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना, क्या हो गया अब तो कोई अलाउ ही नहीं करेगा, मेडिकल चेकअप होगा। फिर धीरे धीरे रनिंग शुरू की, धीरे धीरे वेट रख के रनिंग शुरू की और धीरे धीरे करीब करीब एक साल की ट्रेनिंग और कुछ कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कुछ कुछ फूड पे ध्यान, एक साल बाद पता चला इस दौरान से स्टाफ में एक नोटिस आ गया कि जो लोग माउंट एवरेस्ट जाना चाह रहे हैं वो अप्लाई करो। इन्होंने कहा ये तो बड़ा बढ़िया आ गया, अब ये एक तरफ डर भी रहे कि मेडिकल भी तो होगा भाई इसमें। इन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इनको बोला जी आ जाइए मेडिकल के लिए, यू आर एलिजिबल, जो भी एज फैक्टर वगैरह हो से। इनको बुलाया गया मेडिकल के लिए, जब मेडिकल किया गया पास, इको किया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब ठीक है, तो आगे एंजियोग्राफी की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ ठीक, दौड़ाया गया, बढ़िया दौड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा ट्रीटमेंट टेस्ट ईसीटी इको किया सब ओके, एंड नाउ ही इज रेडी फॉर माउंट एवरेस्ट। अगर किसी ने माउंट एवरेस्ट की कहानी सुनी होगी तो शायद उनको पता होगा कि कई लोग ऊपर जाने से पहले जीवन से छोड़ देते हैं, किसी का पैर काटना पड़ता है जब नीचे लौट के आते हैं, किसी का कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो ऊपर तक जाते हैं और बिल्कुल परफेक्टली नीचे वापस आते हैं। संजय साहब ने अपना बैग पैक किया और चलेंगे कहां, माउंट एवरेस्ट। इनकी वाइफ से बोला, वाइफ ने, इन्होंने वाइफ को बताया कि हमारे साथ एक आईपीएस ऑफिसर भी जा रहे हैं, हमारे बॉस। ध्यान से सुनिएगा कि डर क्या करवा सकता है इंसान से, वो आईपीएस ऑफिसर इनसे ज्यादा हुस्तपुस्त, तगड़े, एनर्जेटिक, बढ़िया। तो बोले कि उनकी वाइफ ने, अपनी वाइफ को बोल रहे, संजय साहब अपनी वाइफ को बोल रहे कि उनकी वाइफ ने उनको बुलाया बेस कैंप से ऊपर मत जाना, जिंदा चाहिए वापस, हमें परिवार का सोचो, क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे? तो बोले अपनी वाइफ को कि उनकी वाइफ ने बुलाया है कि बेस कैंप से ऊपर नहीं जाना, बेस कैंप मतलब सेफ, उसके ऊपर ज्यादा खतरा है। तो बोले आपकी क्या राय?
उनकी वाइफ गुरु थी ना, क्योंकि उन्होंने तो ट्रेनिंग दी। बोली चिंता मत करो, ये दो बच्चे हैं, हम काम करते हैं, हम संभाल लेंगे। मतलब टोटल निगेटिव बात, हम संभाल लेंगे, आप पहले जाओ, अगर कंक्वायर करके नहीं आए तो फिर जीवन भर दुखी करते रहोगे। यानी उन्होंने सबसे पहले क्या निकाला, डर। जो डर आप डेली बेसिस पे अपने अंदर देखो कैसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि जाओ, आप मान के चल रहे हैं, वापस नहीं आओगे, टेंशन नहीं लो, दोनों बच्चों को आप देख लेंगे। सुनने में खराब लगता है पर ऐसे ही कुछ काम करना पड़ता है, डर को निकालने के अपने में सख्त होना पड़ता है। श्रीमान जी गए बेस कैंप पे, पहुंचे बेस कैंप पे, वो आईपीएस वाले भाई साहब बोले संजय मैं ये रुकता हूँ आप जाओ। तो उन्होंने याद दिलाया, भूल गए वो भाई बोली थी यही रुकता है, तो बेचारे वहीं रुक गए। संजय साहब ऊपर तक गए, माउंट एवरेस्ट फतेह की और वापस आ गए। डर के आगे नहीं, डर था ही नहीं, प्रतीत कहां से, डर के आगे जीत कहां से आया, सेंटेंस इसमें कहां है, डर है ही नहीं। डर हमें बनाया जाता है, हम एक एक चीज बचपन से इनफिल्ड करे चले जा रहे हैं और वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए हम थिंक जब करेंगे, जब हम खाली बैठेंगे, थोड़ा सोचेंगे, अपनी एबिलिटीज को चेक करेंगे, अपने बारे में जानेंगे, तो आप पाएंगे कि यहां बैठा हुआ हर इंसान अनलिमिटेड पावर के साथ है। अनलिमिटेड यानी जो चाहे वो कर सकता है। ये स्टूडेंट्स के साथ कैसे होगा, जब हम पेरेंट्स स्टूडेंट तीनों लोग मिलेंगे, जब तीनों लोग बैठेंगे मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे की बात शेयर करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, एक पेरेंट बार बार पेरेंट गुस्सा मत हो जाना, मेरे पास कहानियां है तो मैं शेयर करके आपको सेव करना चाह रहा हूँ। एक पेरेंट, एक बच्चा आया मेरे पास रोते हुए, लगभग डिप्रेशन में था। आजकल बच्चे रो भी बहुत जल्दी देते हैं, जैसे ही मैं समझाना शुरू करता हूँ रोने लगते हैं। यानी अगर किसी आपको कोई पुराना स्टूडेंट मिल जाए 2017 से पहले का, तो बताएगा सर बहुत उड़ा देते हैं, तो ऐसे ही मेरा नाम। और कहीं आपको कोई स्टूडेंट मिल जाए 2005 से पहले वाला, तो बताएगा हम लोगों ने तो सर का नाम टेररिस्ट रखा हुआ था। अभी अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत मुझे डर लगता है। अरे वही डर, इस डर का सॉफ्टवेयर मेरे अंदर किसने डाला, आपने, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने। हम एक दूसरे को डरा रहे, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम मिले, समझे, एक दूसरे की बात को समझे। अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है, प्लीज डोंट प्रेशर। एक पेरेंट, बच्चा आया रोते हुए, बोला बेटा क्या हुआ, सर स्कूल में मार्क्स कम आ गए, हमारे पास टॉप कर रहा है। पेरेंट्स ने बहुत बुरा बुरा कह दिया सर। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें घबराने की बात, पेरेंट तो कई बार हो जाता है, किसी मूड में होंगे, जॉब से आए होंगे, और हमेशा आपके अच्छे के लिए, मैं तो पॉजिटिव ही बात करता हूँ। तो उसको समझाया, बोला मैंने कहा घर का माहौल क्या है, सर केबल कनेक्शन कटवा दिया है। वेरी गुड, टीवी मतलब नहीं चलता, नहीं चलता सर। बोला आपका कमरा कैसा है, सर आप जब मेरे कमरे में आएंगे तो आपको लगेगा किताबों के माउंटेन में बैठे हुए, हमारे बेड के चारों तरफ किताबें, हमारी जितनी भी एलमीरा है उसमें किताबें, मेज पे किताब, सब किताबों से भरा हुआ है सर, जो राइटर आप बताओ हम आपको बता देंगे हमारे पास है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मल्टीपल बुक पढ़ के इंटेलेक्चुअल बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लेट मी स्टडी वन बुक, लेट मी गो थ्रू इट। कोई टॉपर चार बुक पढ़ के टॉप किया होगा, अच्छा है, लेकिन कई टॉपर ऐसे हैं जो एक बुक पढ़ के भी टॉप किए हैं, ऐसे कई मेरे पास है, लाइव लोग है, ऐसा नहीं मैं किसी की कहानी पढ़ के सुना। एक बुक को मल्टीपल मेथड्स के साथ पढ़ लिया जाए तो हम एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, मैंने क्या बोला, थिंक, खाली बैठना है। दिन भर में अगर आपको नया सॉल्यूशन चाहिए तो बिना उस क्वेश्चन के थोड़ी देर बैठना, मतलब हर बार नहीं बैठना है, बोले अच्छा एक क्वेश्चन दिया 10 मिनट बैठना है, गलत भी मैसेज मत लेना भाई, हर घर में बोले सर ने बोला था मोटिवेशन लेक्चर में आप भूल गए, एक क्वेश्चन आने वाला है तो पहले 10 मिनट बैठेंगे, फिर क्वेश्चन ही ऐसे नहीं करा। दिन भर में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट खाली बैठना है, सपने बनाना है। हम लोग ऐसा बचपन में बहुत करते थे, तो बड़ा जल्दी रिलीज हो जाती थी टेंशन, और मैं तो पता नहीं क्यों बहुत बड़े बड़े सपने, एक तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला तो रेगुलर सपना था, एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर बता देंगे दुनिया को कि हम क्या है, और ऊपर से सचिन तेंदुलकर बड़ा परेशान करता था।
हम लोग के जमाने में बहुत फेमस था भाई, आजकल तो विराट कोहली और भी नए आ गए, श्रेयस अय्यर साहब वगैरह आ गए। तो हमारे जमाने में सचिन तेंदुलकर हमेशा मतलब दो ड्रीम हमारे फिक्स थे, खाली बैठेंगे आप सचिन तेंदुलकर बन गए, आप देखिए वसीम अकरम किधर बॉलिंग करेगा, उड़ा देंगे उसको। तो वो एकदम मतलब जब ऐसे सपने देखते थे हम लोग तो इसमें खो जाते थे, और खो जाने से क्या होता था, ये टेंशन भूल गए कि अभी पिताजी ने एक तमाचा मारा थोड़ी देर पहले। हमारे पास बड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी थी मजबूत बनने की, क्या कोई गलती करो दो तमाचे पड़ेंगे, बॉडी से भी मजबूत हो गए। हमारे पेरेंट्स डरते नहीं थे, हम सुबह गए 5:30 बजे संडे के दिन क्रिकेट खेलने और 9 बजे तक खेल के आ रहे। अच्छा इससे दो फायदे, एक तो धूप में खेल लिए, प्यास बहुत जोर लग रही, पानी कहीं मिल नहीं रहा है तो अपने पास ताकत आ गई प्यासे रहने की, और उसके बाद घर आएंगे 2 डंडे मिलेंगे, मतलब समझ गए ना, 5:30 से 9:30 पे आ रहे हो भाई, तो अपन पूरी तरीके से मजबूत हो जाते थे मेंटली फिजिकली, अब सब तरीके से एक मजबूती आ जाती। और फिर उसके बाद जब ये मजबूती आ गई तो ऐसा नहीं हमारे पिताजी हमारे दुश्मन, ऐसा नहीं, वो गए ऊपर कॉर्नर में, प्रधानमंत्री का सपना देखा, कौन पिताजी, कहां पिताजी, आई एम प्राइम मिनिस्टर, सब रिलीज हो गया, टेंशन फ्री हो गए, वापस फिर से काम शुरू। इसीलिए मैं कह रहा हूं सपने देखना है। दो लोग थे, दो फिर से स्टोरी, ये स्टोरी सुनाए उससे पहले कविता, किसी कविता पे बेस्ड दोनों स्टोरी। तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, ये दुनिया जमी तो तुम आसमां हो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, ये दुनिया जमी तो तुम आसमां हो, फिर क्यों धमनियों में रक्त जमा हो, फिर क्यों धमनियों में रक्त जमा हो, क्यों ना इनमें चपला का सा प्रवाह हो, चपला मींस बिजली, फिर क्यों धमनियों में रक्त जमा हो, क्यों ना इनमें चपला का सा प्रवाह हो, अब गरज जाओ बनकर अमृत ज्ञान का। ऐसा आपसे कह रहा हूं, आपके पास पावर है, मेरे पढ़ाने से ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, अब बरस जाओ बनकर अमृत ज्ञान का, भर दो लोगों के जीवन में रस प्यार का, और छा जाओ इस दुनिया पर ऐसे कि आ गया हो आसमां जमीन पर जैसे। बहुत पावरफुल है आप, असीमित शक्ति है, सिर्फ जरूरत किसकी है, एक हिस्सा दिखा दिया डर हटाना है, दूसरा खाली बैठना है। चेविंग नॉर्फेल साहब, चेवांग नॉर्फेल, लद्दाख के रहने वाले, जिनको बोला जाता है आइस मैन ऑफ इंडिया, उनका जो विलेज था माउंटेन्स के बीच में था, 10 से 15 दिन सिर्फ बारिश में उनका पानी वहां मिलता था। बचपन में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये पानी जो ऊपर से आ रहा है, जो स्पीड में आ रहा है वो तुरंत आइस बन जा रहा है, और जो स्लो आ रहा है जिसमें थोड़ा स्लगिश है, थोड़ा सा पेड़ का कुछ या धूल वगैरह मिली हुई है, ये जल्दी से आइस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 10-15 दिन बारिश हो रही है तो वहां पे आप सोच ही नहीं सकते कि क्यूकम्बर और ये सब जो भी है, ये सब चीजें जो वाटरी होती हैं, इनको इन प्लांट्स को लगा के ऐसी सब्जियां वहां बनाई जाए, या बहुत ज्यादा खेती भी नहीं कर पा रहे थे तो गाँव वालों के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। बचपन में उन्होंने देखा कि जो वाटर स्लो आ रहा है ये आइस ही नहीं हो रहा है, और ये आईसी नहीं हो रहा है तो काफी देर तक ये वहां बह रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप हो रहा है, यानी जो जमीन के अंदर पानी है वो ज्यादा से ज्यादा सूख रहा है, जो वाटर तेज आ रहा है वो तेज निकल जा रहा है, या फिर वो आईसी हो जा रहा है तो वो वाटर ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर जा नहीं रहा है, यानी उतना लैंड में जो ज्यादा से ज्यादा अंदर पानी जा रहा है जिसको आप निकाल के यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा ही तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, अगर इस पानी को रोकें, इस पानी में कुछ कुछ करें तो ऐसा यहाँ पे भी छोटे छोटे ग्लेशियर्स बन सकते हैं और हम कुछ कर सकते हैं, ये बचपन में उनके दिमाग में आया। तो बोले पहले एक काम करते हैं, पढ़ के आते, पहले हम लोग इंजीनियरिंग ऐसे ही करते थे, ऐसे नहीं करते थे, जब सिलेक्शन हो गया कौन सा ब्रांच लेना है, सर कंप्यूटर साइंस में बहुत पैसा मिल रहा है, सर बहुत सारे जॉब है, यूएस यूके जाने में मिलता है, इंटरेस्ट का पता नहीं, जब कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन कर लिया, कहानी में कहानी, जब कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन कर लिया उसके बाद जब जॉब पे जाते हैं तो बोलते हैं सर बड़ा मेहनत कराते हैं, सर बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट ढूंढना है तभी एंजॉय आएगा, तभी आपको मजा आएगा। नॉर्वेल साहब ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने कहा चलो पहले थोड़ा पढ़ के आते हैं, वहां से निकले लखनऊ जाके उन्होंने इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया,
और वापस पहुंच गए अपने काम। ऐसे कभी लोग पहुंचते हैं? मैं भी नहीं पहुंचा वापस, लेकिन जो पहुंचते हैं तो उनको बोला भी जाता है आइसमैन ऑफ इंडिया। अपने गांव वापस पहुंचे और एक एनजीओ संस्था ज्वाइन की वाटर रिप्लेसिंग के लिए, वहां पे रिफ्रेशमेंट के लिए। तो उस संस्था को उन्होंने ज्वाइन किया और जानते उन्होंने क्या किया, जो वाटर आ रहा था उसके लिए उन्होंने छोटे छोटे स्टॉपेजेस बनाए, छोटे छोटे ग्लेशियर्स क्रिएट कर दिए उस पूरे इलाके में। तो जब वो ग्लेशियर्स बहुत सारे उन्होंने बनाए तो लैंड में तो वाटर बहुत सारा इकट्ठा हो ही गया, साथ साथ जब समर आई तो जो ऊपर वाटर है वो तो आइसी हो जा रहा था, लेकिन जो नीचे इकट्ठे होके ग्लेशियर बन गए थे तो जब सनलाइट उन पे पड़ी तो उसमें से वाटर पूरा मिलना शुरू हो गया। और फिर उन्होंने ऐसे करके 15 ग्लेशियर्स उस पूरे हिस्से में बना दिए। उससे क्या एडवांटेज होना शुरू हुआ कि वहां पे बढ़िया खेती होना भी शुरू हो गई। आज वहां पे आपको बढ़िया ककड़ी भी खाने को मिल सकती है लेह में, उस गाँव में उनकी अपनी बनाई। आज उन साहब को पद्मश्री भी मिल चुका है, जमनालाल बजाज प्राइज भी मिल चुका है। सोचो आप बचपन में सपने देखना भूल गए, इस मोबाइल ने क्या किया कि आपकी इमेजिनेशन को फ्लॉप कर दिया। बहुत फायदे होते थे जब आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे होते थे तो आपका दिमाग से टेंशन जीरो हो जाती थी, और जब आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते थे तो वो वाला सॉल्यूशन भूल जाते थे जिससे सॉल्व नहीं हुआ, एक नए सॉल्यूशन पे आप चले जाते थे और फिर क्वेश्चन पक्का सॉल्व। एक और कैरेक्टर लिखिए, रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया, नहीं तो कुछ गर्ल्स गुस्सा हो जाएगी, सब सब सर सब मेल की बात हो रही है, कुछ फीमेल भी कैरेक्टर्स आपके आते तो आएंगे भाई। और ये स्टोरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं गर्ल्स मैथ्स और साइंस में बढ़िया नहीं कर पाते, मैं नहीं सोचता माइंड, इसीलिए स्टोरी को लेना जरूरी है। रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया, 20 मिनट दे सकता हूँ, 10 मिनट टाइम नहीं तो मूड है मेरे पास, तो इतना कंटेंट है कि मैं शाम तक बोल सकता हूं। रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, लेकिन बचपन में तारे देख देख के सपना था तारों के पीछे क्या हो रहा है पता करना है, चंद्रमा को देख देख के मन करता था इसके ऊपर अगर जाए तो यहाँ का हम खुद अगर अपना यहाँ बेच के खुद अगर समझे तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि केसीएस एजुकेट ज्वाइन, नहीं वहाँ केसीएस एजुकेट नहीं है, लखनऊ में नहीं है, मतलब मुझे साइन क्यों नहीं एग्जाम्पल की इतनी मनी नहीं थी कि कोचिंग ज्वाइन कर लें और कोचिंग ज्वाइन करके JEE का एग्जाम दे दें। उस समय उसको IIT JEE एग्जाम को बोलते थे जो IIT के लिए होता था, अभी जिसको JEE एडवांस्ड बोलते हैं, कि उस कोचिंग को ज्वाइन करके IIT पहुंच जाए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से BSc किया, फिर MSc किया, और फिर मेहनत जब वहां कर रहे थे वो करते करते ISC बेंगलोर में अप्लाई किया और फिर जाके M.Tech एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किया। और वहां से ये सपना देखिए कितना पुराना, वो सपना बनाते 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 इतना बढ़िया बन गया कि जो देखा था वही हो गया। ISC बेंगलोर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ज्वाइन करने के बाद इसरो से उनको कॉल आया और उनका सपना था कि हमें इसरो ज्वाइन करना है, बचपन से सपना था। यानी पहले जो इंजीनियर बनते थे वो बचपन से सोचते थे कि ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे फिर वैसा होगा तो लाइफ, इसलिए उनको एंजॉय होता, इसलिए वो जॉब करते समय थकते नहीं। जैसे मैं लेक्चर लेता रहूंगा खुश हो जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं एंजॉय कर। तो वहां उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया और आपको जान के आश्चर्य होगा उन्होंने क्या किया। MOM मिशन का नाम सुना होगा, मार्स ऑर्बिट मिशन, उसको जो ऑटोमेशन को कंसेप्चुलाइज करना था वो उन्हीं का काम। ऋतु कालीथाल श्रीवास्तव का नाम, और जो चंद्रयान 2 था जो हम देख रहे थे कि अब कहां पहुंचा अब कहां पहुंचा, उसको जानते कौन पहुंचा रहा था? कंप्यूटर में बैठ के वही चला रहे, इसलिए उनको बोला जाता है रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया। G7 में उनको कंसल्टेंट के तौर पर रखा गया है, इसरो उन्होंने ज्वाइन किया है, कई ढेर सारे प्राइज जीत लिए हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं सपने देखो,
जरूरी है, खूब एंजॉय करो जरूरी है, माइंड को शांत करना जरूरी है, लेकिन आप गलत क्या कर रहे हो, एक और स्टोरी, गलत क्या कर रहे हो, स्पेक स्टोरी, 10 मिनट और होगा। वैसे ज्यादा टाइम ले तो मजा आएगा ना, जबरदस्त। एक इंसान जा रहा था, देखा कि मंदिर बन रहा है, देखिए किस नाई वाले को याद आएगा, ये स्टोरी मैंने सुनाई थी अभी, लेकिन इस स्टोरी में मैंने और परिवर्तन कर दिया है। वो जा रहा था तो मंदिर बन रहा था, तो पत्थर तोड़ने वाले लोग होते, तो उसने पत्थर तोड़ने वाले से, क्या कर रहे हो, क्या दिखता नहीं पत्थर तोड़ रहा हूं, तमीज नहीं क्या उसमें, पूछ रहे हो पत्थर तोड़ रहा हूं क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं तोड़ो भाई। दूसरे वाले के पास पहुंचा, क्या कर रहे हो, साहब पत्थर तोड़ रहे हैं, जीवन को चलाना है, नौकरी करनी है साहब, कुछ पेट भरेगा ना, इसलिए पत्थर तोड़ रहे हो। तीसरे वाले के पास पहुंचा, क्या कर रहे हो, साहब पत्थर तोड़ रहे हैं, तराश रहे हैं, मंदिर बनेगा तो मेरा भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और मजा आ जाएगा, बस आप बहुत मजा आ रहा, आपको भी कहो तो सिखा दे। तीनों की मेंटालिटी को समझो, केसीएस में तीन विद्यार्थी बैठे हुए थे, पहले वाले से पूछा क्या कर रहे हो, सर दिखता नहीं, मम्मी पापा जबरदस्ती एडमिशन करा दिए, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। दूसरे वाले से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, अरे सर आईआईटी जाना है सर, पैसा कमाना, बढ़िया सी सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करना है, एग्जाम से पढ़ रहे। तीसरे वाले से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मजा आ रहा है, अभी तो यही कर रहे हैं और इसमें आनंद उठाना है, कहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो बाद की बात है। पहला वाला स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहा है आजकल 4 साल इंजीनियरिंग के बाद, दूसरा वाला अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी में है, फोन करके बोलता है सर मर्सिडीज भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, दो दो घर भी है, लेकिन आराम नहीं है सर, चैन नहीं है सर, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तीसरा सर एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है सर, कई बार तो बीच बीच में जॉब छोड़ के एक दो महीने की छुट्टी पे भी चले जाते हैं सर, और सर वहां जब छुट्टी पे जाते हैं तो पता चलता बढ़िया काम हो जाता है, वो कंपनी ज्यादा पैसे में रखती दोबारा। सिर्फ सोच की बात है, थिंक बिलीव, सोचो, अपने पे भरोसा करो और एंजॉय, यानी अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो सिर्फ इस लेक्चर को सुन रहे हैं आप चमत्कार कर सकते हैं, और मैंने बताया कि जो छोटे 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 आप काम कर रहे हैं यही आपका लक बन रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं 10 साल बाद ओ आई एम लकी आई गॉट इट, कम मेहनत, अरे भाई आपने पीछे परिश्रम किया था आपको याद नहीं है। एक और स्टोरी चलेगी, yes, sir. और फिर एक कविता, yes, फिर एंड करेंगे तो मजा आएगा, am I right or not? Yes, sir. लता भगवान खरे, स्टोरी की नायिका, पहले बता दी, एक बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग नहीं कहेंगे 60s के आसपास, आराम से अपने पति के साथ रह रही थी, उससे पहले 3 बेटियों की शादी कर ली, मजदूरी करते थे, मतलब वो दोनों ही क्या थे, वर्कर्स, डेली वेजेस, कोई चिंता नहीं, मुझे कई बार अच्छा लगता है डेली वेजेस वर्क, सीरियसली मैं कई बार देखता हूँ, ये दिन भर मेहनत की, एक बार तो वर्कर ने मुझे मोटिवेट कर दिया साहब, दिल्ली के ऑफिस में मैं एक वर्कर बोला, मतलब मुझे आज अपनी खराब बात दिखा रहा हूँ आपको, वो वर्कर को मैंने कहा जा रहे हो, अरे थोड़ा सा काम अच्छा कर दो, कह सर क्या बात कर रहे हो, टाइम देखो लंच टाइम हो गया है, लंच टाइम हो जाता है हम किसी की नहीं सुनते, चाहे कोई भी हो खाना खाना है टाइम पे, सीरियसली उसने मुझे मोटिवेट कर दिया, बोला खाना टाइम पे खाओ तभी से काम हो जाएगा, बेवजह का स्ट्रेस लेवल बढ़ा के रखा हुआ है, सीरियसली मैं उससे मोटिवेट हुआ, वो स्टोरी मुझे आज तक याद रहती, उसकी डांट याद रहती, थोड़ी देर के लिए लगा ये क्या बोल रहा है, मेरे आसपास सौरभ जी खड़े हुए थे उसको अड़का भी देते, मैंने ये रोका भी, पूछा भाई मैंने रो ठीक करा, तो कहीं ठीक लगता है
वो और उसके हस्बैंड दोनों वर्कर मेहनत करके अपनी बच्चियों की शादी कर दी, आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे कि एक दिन उसके हस्बैंड बीमार हो गए। बीमार हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने जाके जो छोटे जो भी आसपास डॉक्टर्स होते हैं उनको जाके दिखाया, तो अच्छा डॉक्टर था, उसने चेक किया, उसने कहा नहीं इसका इलाज मैं नहीं कर सकता, आपको बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखाना पड़ेगा शहर में और वहीं होगा। तो इतने पैसे उनके पास नहीं कि उस बड़े हॉस्पिटल में जाएं, तो कुछ रिश्तेदारों से कुछ पड़ोसियों से कुछ उधार लिया और पैसे लेके पहुंच गए। जब उस हॉस्पिटल में पहुंचे तो जब चेकअप किया गया तो कुछ बड़ी बीमारी निकली और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, अब ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली वहां ज्यादा चाहिए पैसे ऑपरेशन आपको कराने। दोनों उदास हो गए, हॉस्पिटल में बैठ गए, वो ये इतनी दूर से आए थे, भूख लग रही है चलो कुछ खा लेते हैं, बहुत थोड़े से पैसे थे तो कैंटीन पे गए, हॉस्पिटल का कैंटीन था, बड़ा हॉस्पिटल था, कुछ बोला दो समोसे मिल जाएंगे। जब उन्होंने प्राइस बताए तो वापस आ गए, कहते हैं दे दो हम लोग चलते हैं बाहर। हॉस्पिटल से बाहर निकले तो एक ठेले पे समोसे वाला था, वहां गए, मन में उसके की चल रहा है प्रभु बचा ले, प्रभु जानते कौन है, आपके अंदर है, आप स्वयं है, आपका दिमाग है, आप इसमें जो डाल रहे हैं वो प्रभु है, आप इस समय हॉल में बैठ के जो पॉजिटिव सोच बना रहे हैं वो प्रभु है। उसके दिमाग में एक ही था अपने हस्बैंड को बचा। हम लोग इस बचपन में सती की कुछ कहानियां सुनते तो उस टाइप से हम लोग मोटिवेट हो जाते थे, अलग टाइप की, वो आजकल नहीं सुनाते अपने, वो आउटडेटेड, आपके दिमाग में टाइप नहीं आ सकती, तो मॉडर्न कहानी चाहिए ना आपको, लाइव चाहिए, प्रूफ चाहिए, जब तक हेड प्रूफ नहीं होगा मानोगे नहीं, सर पे भरोसे नहीं। तो उसके दिमाग में चल रहा था अपने हस्बैंड को तो बचाना है, कुछ तो करेंगे, कुछ करेंगे, अब आप इसको लक बोलिए या उसकी मेहनत, कहानी में आप आखिरी में आप डिसाइड करिए। वो दो समोसे लिए ठेले वाले से, 10 रुपए थी, दो समोसे लेके आए, दोनों लोग बैठ के खा रहे थे समोसे, न्यूज़पेपर में दिए जो ठेले वाले होते हैं ऐसे कोई प्लेट प्लेट पर न्यूज़पेपर रख दिए, समोसा खत्म हुआ न्यूज़पेपर में उसकी आंख पड़ी, वो आंख पड़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, उसमें लिखा था अमरावती मैराथन और जीतने वाले को भारी बंपर प्राइज फर्स्ट प्राइज। अब वो बस वही डिसाइड कर लिया ये मैराथन तो मुझे दौड़नी है नहीं और जीतनी भी है। सोचिए 60 इयर्स की लेडी अमरावती मैराथन में पहुंच गई, साड़ी बांधी मराठी स्टाइल में और शुरू हो गई, नहीं शुरू नहीं हुई, पहले तो गई ऑर्गेनाइजर के पास की प्लीज हमें दौड़ने दो। बोले कहां दौड़ोगी अम्मा, गिर जाओगी, हम लोग और मुश्किल में पड़ जाएंगे। बोले नहीं, हाथ पैर जोड़े किसी तरह रिक्वेस्ट की, दिखा इतना दुखी हो रही है, इतना रो रही है, दे देते हैं अपने आप रुक जाएगी 1 किलोमीटर पे जाके। उसने अपनी साड़ी बांधी और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी कि हमें जीतना है बस, और कुछ सोचना ही नहीं है, कौन दौड़ रहा है कौन क्या कर रहा है। जैसे उसने दौड़ना शुरू किया कुछ लोग तो हमसे कहां दादी हम अभी दौड़ने आ गई, बीच में दौड़ना उसने शुरू किया, थोड़ी देर बाद तालियां बजना शुरू हुई। जब उसने दौड़ना शुरू किया बहुत बड़े बड़े लोग पीछे छूटना शुरू हो गए और वो दौड़ती गई, उसको ये अंदाजा नहीं कि कौन पीछे छूटा कौन आगे है। जब आखिरी में लोग तालियां बजा रहे थे उसके लिए और उसने वो मैराथन जीत ली, उसको वो प्राइज भी मिला, उसने अपने हस्बैंड का भी इलाज कराया और आपको जान के आश्चर्य होगा उसके बाद भी मैराथन जीती। होने का इंतजार क्या क्या नहीं है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ अपने पे भरोसा, और वो कब आएगा खाली बैठ के सोचना। डर पेरेंट्स और मेरी सहायता लगेगी डर को धीरे धीरे वाइप आउट करने। 1 साल 11th का कैसा कटा कोई प्रॉब्लम नहीं, लता भगवान खरे जब दौड़ी तो जानती क्यों दौड़ पाई, क्योंकि वो परिश्रम कर रही थी, वर्कर का काम कर रही थी, दिन भर में ना जाने कितनी बार 3 मंजिल ऊपर उठे नीचे उठे, उसकी बॉडी में वो पावर थी, यानी उसके कर्मा पहले से पॉजिटिव थे। कर्मा मैंने बोला मेरे पास और स्टोरी थी वो नहीं ले सकता अभी, फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन कर्मा यही है, आप अभी इस हॉल में बैठ के क्या कर रहे हो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर होल लाइफ, यही है कर्मा। आप कैसे इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, कैसे सोच रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, मुझसे बात करो, पेरेंट से बात करो, डर को पहले ही दिन खत्म करेंगे। क्लास में समझ में नहीं आया, अगले लेक्चर से पहले दौड़ के पूछो, फिर समझ नहीं आया पेरेंट्स को बताओ,
पेरेंट्स दौड़ के मेरे पास आए, आप दौड़ के टीचर्स के पास आओ, डाउट टाइम है, फिक्स है, लेकिन आप अलग से मिलो, अलग से टीचर से बात करो, अपने इंडिविजुअल बात करो। कोई मुझसे पूछता है टाइम लेना चाहता, आपके पास कितना टाइम है, कहता हूं मैं खाली हूं, कोई आओ। जो भी पेरेंट या बच्चा आया होगा, आप खुद ध्यान से देखिए कि कोई 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मैं आराम से बैठा रहता हूं, आप ही को जल्दी हो जाएगी। जब आपको बुलाया जाता है तो इंश्योर किया जाता है कि मैं आराम से आपसे बात करूं, तसल्ली से आपसे बात करूं। So my dear student, my message is clear and loud. Think, यानी खाली बैठना है। Believe अपने आप में, अपने teachers में। Yes, ये करेंगे है। Enjoy, यानी class को भी fully enjoy करना है, उसमें पूरा डूब जाना है, और घर पे भी enjoy करना है, जरूर खेलना है, थोड़ी देर खेलना है, physical exercise करना है, mobile को हो सके तो तोड़ के फेंक। अच्छा, तोड़ के फेंकने में बड़ा फायदा है, महंगा आता है ना, तो दोबारा थोड़ा सोचना पड़ेगा। खड़ी पेरेंट का मोबाइल यूज करो। पेरेंट को ये हिदायत है कि आप सब मिलकर एक प्लानिंग बनाओ, जैसे मैंने अपने घर पे बनाई है, एक प्लानिंग बनाओ, तभी उस बच्चे को ज्यादा फायदा हो सकता है। आशा करते हैं कि जो मैंने आपका टाइम लिया, जो मैंने आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर की, और इतने सारे लोगों की फीलिंग मेरे पास तक आई, मुझे बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत एडवांटेज होने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने इतना टाइम और फीलिंग मेरे साथ शेयर की। और चलते चलते एक कविता चलेगी ना भाई? कविता ये वाली वही है जहां पे मैं हमेशा सदियों से इसी कविता पे अंत करता, सदियों से मतलब सालों से, सदियां नहीं हो सकती, इसी कविता पे अंत करता हूँ, क्योंकि ये कविता एकदम सत्य है। ये बहुत सबसे पहली शायद बनाई हुई मेरी कविता है। जो है तुम्हारे पास साहस, विश्वास और निष्ठा। साहस यानी करेज इस लाइफ में, इस एज पे होता है जो घट रहा है, मोबाइल और टीवी और नेगेटिव चारों तरफ एनवायरमेंट से, नहीं तो इस एज में साहस बहुत ज्यादा होता है। जो है तुम्हारे पास साहस, विश्वास, विश्वास किस पे करना है? खुद पे। यस, आई एम द बेस्ट। पहले ये शुरुआत में क्या बोला था, यू आर द विनर, याद है कि नहीं? Yes. हर लेक्चर में हमने रूल बना दिया, जब आप क्लास में आएंगे आप खड़े हो जाएंगे और मैं तीन बार बोलूंगा यू आर द विनर, और आप क्या बोलेंगे? Yes. Yes. ये मैपिंग करेंगे अपने दिमाग में। जो है तुम्हारे पास साहस, विश्वास और निष्ठा। निष्ठा मतलब डेडिकेशन। जो है तुम्हारे पास साहस, विश्वास और निष्ठा, तो जीत तुम्हारी होगी, वरना हार तो कब की तुम्हारे साथ। मंत्र एकदम आपको बता दें, अगर आपने इस हॉल में एंजॉय किया है तो यू आर द विनर। एग्जाम बाद में, क्लास कल शुरू होगी, कल देखेंगे आज एंजॉय किया है या नहीं। अगर आपने किया है, यू आर द विनर। सो थिंक, बिलीव, एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।